गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि हमने जियो में जो 6th लेसन है एशिया द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, वो स्टार्ट किया हुआ है। कल हमने उसमें जो एक टॉपिक कवर किया था, दैट वाज फिजिकल डिवीजन्स ऑफ एशिया। 5 डिवीजन्स हैं: नॉर्थन लोलैंड्स, सेंट्रल हाईलैंड्स, साउथर्न प्लेट्यूज, रिवर बेसिन्स एंड आइलैंड ग्रुप्स। इन 3 को हमने कल क्लियर किया था। आज ये 2 जो है रिवर बेसिन्स एंड आइलैंड ग्रुप्स, इसके बारे में हम रीड करेंगे। फॉर द रिवर बेसिन्स, मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन एशिया ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड कैरी विद देम अ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेवल्स एंड सिल्ट एज सेडिमेंट्स। जो काफ़ी सारी रिवर्स हैं एशिया में, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ से निकलती हैं? फ्रॉम द सेंट्रल हाईलैंड्स, और अपने साथ वो काफ़ी अमाउंट में ग्रेवल, सैंड एंड सिल्ट एज सेडिमेंट्स। मतलब सेडिमेंट्स क्या होता है? जैसे ये रेत, बजरी वगैरह जो नदियाँ अपने पानी के साथ बहाकर लेकर आती हैं। ओके, द सेडिमेंट्स आर डिपॉजिटेड इन द रिवर वैलीज। सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर लिया जाता है रिवर वैलीज में। मोस्ट ऑफ दीज रिवर्स आर पेरेनियल एंड क्रिएट लार्ज एंड एक्सटेंसिव फर्टाइल प्लेन्स। पेरेनियल का मतलब होता है ऐसी रिवर जिसमें पानी जो है वो पूरा साल रहता है, वो सूखती नहीं है, और वो क्या बनाती हैं? एक्सटेंसिव फर्टाइल प्लेन्स, उपजाऊ मैदान जो हैं वो तैयार करती हैं। द मेन रिवर बेसिन्स आर लोकेटेड बिटवीन द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द साउथर्न प्लेट्यूज। जो मेन रिवर्स हैं वो कहाँ लोकेटेड हैं? इन दोनों के बीच में, सेंट्रल हाईलैंड्स और साउथर्न प्लेट्यूज के बीच में। सम ऑफ देम आर मैंशनड हेयर। आपको यहाँ पर कुछ जो पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट वन है मेसोपोटामियन लोलैंड्स, इनके बारे में आपको क्लियर किया गया है। द मेसोपोटामियन लोलैंड्स आर डेवलप्ड बाय द डिपॉजिट्स ऑफ द टिग्रिस एंड द यूफ्रेट्स रिवर्स। डिपॉजिट्स मतलब वही जो हम सेडिमेंट्स की बात करते हैं, इनके थ्रू ये बनाए जाते हैं। विच फ्लो इनटू द पर्शियन गल्फ, जो कहाँ पर बह जाती हैं? पर्शियन गल्फ में बह जाती हैं। अ मेजर पार्ट ऑफ दिस रिवर बेसिन इज इन इराक। इस रिवर बेसिन का जो मेजर बड़ा पार्ट है वो कहाँ पर है? इराक में। सेकेंड, इंडस प्लेन्स। द इंडस प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द इंडस रिवर एंड इट्स 5 मेन ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मीन जो इसकी सहायक नदियां हैं। इंडस प्लेन इसी के थ्रू बनाया जाता है, एक इंडस रिवर के थ्रू, और 5 जो इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम। ये जो हैं किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? इंडस रिवर की। द इंडस रिवर सिस्टम फ्लोज इन टू द अरेबियन सी। इंडस रिवर जो है कहाँ पर बह जाती है? अरेबियन सी में। अ मेजर पार्ट ऑफ द इंडस प्लेन इज इन पाकिस्तान। मेसोपोटामियन का मेजर पार्ट कहाँ पर था? इराक में। और इंडस प्लेन्स का मेजर पार्ट जो है कहाँ पर है? पाकिस्तान में। द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स। जैसे कि इसके नेम से ही क्लियर है, इसमें 2 रिवर्स की बात की गई है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो ये किसके थ्रू बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स के थ्रू बनता है, और उनकी ट्रिब्यूटरीज के थ्रू बनता है। एंड देयर न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज इन इंडिया एंड बांग्लादेश। और ये ट्रिब्यूटरीज कहाँ पर हैं? इंडिया और बांग्लादेश में। दीज रिवर्स फ्लो इन टू द बे ऑफ बंगाल। अब जैसे कि फर्स्ट हमने बात की थी मेसोपोटामियन की, इसमें आपको बताया गया था कि ये कहाँ पर बह जाती है? पर्शियन गल्फ में। और इंडस रिवर जो है वो कहाँ पर बह जाता है? अरेबियन सी में। उसके बाद है गंगा ब्रह्मपुत्र, ये आपको बताया गया बे ऑफ बंगाल में। तो इसके अकॉर्डिंग जो है 3 में आप डिफरेंस कर सकते हो। दे ऑल्सो फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। अगर आपसे लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स हैं, ये सबसे बड़ा डेल्टा जो है वर्ल्ड का वो बनाती हैं। उसके बाद है द इरावदी एंड मेकोंग रिवर्स हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव लोलैंड्स इन म्यांमार एंड द एडजॉइनिंग कंट्रीज़। ये जो हैं काफ़ी बड़े लोलैंड्स बनाती हैं, कहाँ पर? म्यांमार एंड उनके आसपास की कंट्रीज़ में। द ईस्टर्न प्लेन्स इन चाइना हैव बीन बिल्ट बाय 3 मेन रिवर्स। जो ईस्टर्न प्लेन्स हैं चाइना में, वो 3 मेन रिवर्स के थ्रू बने हैं, जैसे कि होंगही, शांगजांग और यंगट्ज़े। एंड द सी क्यांग और एक्जी रिवर, दीज रिवर्स फ्लो इन टू द ईस्ट चाइना सी। ये जो रिवर्स हैं वो कहाँ बह जाती हैं? ईस्ट चाइना सी में। एंड फाइनली इन टू द पैसिफिक
ओशियन, और लास्ट में वो कहाँ चली जाती हैं, पैसिफिक ओशियन में मिल जाती हैं। ताहोंग ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सोरो ऑफ चाइना। होंग ही जो रिवर है उसको बोला जाता है सोरो ऑफ चाइना। सोरो का मतलब क्या होता है, दुख। वो आगे हम देखेंगे किस लिए इसको सोरो ऑफ चाइना बोला गया है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट फ्लड्स दैट अकर इन चाइना ड्यू टू दिस रिवर। ये इसलिए सोरो बोला गया है, सोरो इसको नेम दिया गया है, क्योंकि इस रिवर की वजह से, किस रिवर की वजह से, होंग ही रिवर की वजह से चाइना में काफ़ी सारे फ्लड्स आते हैं, बाढ़ आती रहती है। ओके, तभी इसको नेम दे दिया गया सोरो ऑफ चाइना। क्लियर। लास्ट जो हमने फिजिकल डिवीज़न रीड करना है, दैट इज़ द आइलैंड ग्रुप्स। देयर आर मैनी ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स टूवर्ड्स द ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ऑफ द मेनलैंड ऑफ एशिया। मतलब साउथ ईस्ट और मेनलैंड ऑफ एशिया जो है वहाँ पर काफ़ी सारे ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हैं। दीज आइलैंड्स आर मोस्टली माउंटेनियस एंड आर सराउंडेड बाय नैरो कोस्टल प्लेन्स। ये जो आइलैंड्स हैं यहाँ पर काफ़ी सारे माउंटेन्स हैं, और ये किससे सराउंडेड हैं, कोस्टल प्लेन्स से। सम ऑफ देम हैव एक्टिव और डोरमेंट वोल्केनोज। अर्थक्वेक्स आर फ्रिक्वेंटली एक्सपीरियंस्ड इन दिस आइलैंड ग्रुप्स। एक्सपीरियंस्ड का मतलब होता है कि यहाँ पर जो अर्थक्वेक्स हैं वो आते रहते हैं, कुछ टाइम के गैप पर जो है यहाँ पर अर्थक्वेक्स जो हैं एक्सपीरियंस किए जाते हैं, फील किए जाते हैं। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है, भूकंप। सम ऑफ द आइलैंड ग्रुप्स हैव फॉर्म्ड कंट्रीज सच एज। यहाँ पर ऐसी कंट्रीज़ बताई गई हैं जहाँ पर आइलैंड ग्रुप्स हैं, जैसे कि जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड अदर्स। टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ इंडिया इन द बे ऑफ बंगाल आर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ईस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल में क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। द लक्षद्वीप एंड द मालदीव्स आर इन द अरेबियन सी। और जो लक्षद्वीप और मालदीव्स हैं वो कहाँ पर हैं, अरेबियन सी में। ओके, तो ये था लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक था फिजिकल डिवीजन्स का। जैसे कि हमने पहले रीड किया था, हमने एशिया के 5 फिजिकल डिवीजन्स ये जो पॉइंट दिए हूँ आपको, नॉर्थन लोलैंड्स के बारे में कल हमने रीड किया, सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में रीड किया था, साउथर्न प्लेट्यूज के बारे में कल रीड किया था। आज जो है हमने 2 टॉपिक्स क्लियर किए हैं, रिवर बेसिन्स एंड आइलैंड ग्रुप्स। नाउ यू हैव टू रीड दिस लेसन कम्प्लीट, एंड आफ्टर दैट वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन। ओके, एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। ओके ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।